भारत और चीन के बीच एलएसी पर तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। भारतीय सेना जल थल नभ हर जगह से चीन को उसकी हिमाकत का जवाब देने में जुटी हुई है और तैयार भी हो चुकी है। दिल्ली से सेना को चीन की किसी भी गुस्ताखी का जवाब देने के लिए ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। हाई टेंशन के बीच लद्दाख में भारतीय वायुसेना के फाइटर विमान लगातार उड़ान भर रहे हैं। लेह लद्दाख के आसमान में भारतीय सेना के फाइटर जेट की गड़गड़ाहट चीन की आंखें खोलने के लिए काफी है। एलएसी पर भारत और चीन के बीच टेंशन हाई है। आसमान में उड़ रहे मेघ, चिनूक और अपाचे विमान लद्दाख में उड़ान भर रहे हैं। भारतीय फाइटर विमानों की हलचल बता रही है कि वायुसेना चीन की सेना की किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए तैयार हो चुकी है। एलएसी पर चीन ने जब से घुसपैठ की है टेंशन बढ़ी हुई है। गलवान घाटी और पेंगोंग लेक के पास भारत और चीन की सेना आमने सामने है। यही वजह है कि लद्दाख में भारतीय वायुसेना अलर्ट मोड पर है। चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर लगातार उड़ान भर रहे हैं। एलएसी पर टेंशन को देखते हुए 24 घंटे हमारे जो फोर्सेस के लोग हैं वो चौकन्ने हैं, अलर्ट पर हैं। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, सुबह का वक्त है, लेकिन आप देखिए किस तरह से सुबह होते ही एयरफोर्स के जो सर्विलेंस एयरक्राफ्ट है जिसमें अटैक हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं सीधा वहां पर अभी लैंड कर रहा है। ये अपाचे हेलीकॉप्टर है और आप देखिए कि किस तरह से अभी लैंड कर रहा है। अब से कुछ देर पहले ये लगातार यहाँ पर आसपास के जो एलएसी का इलाका है यहाँ पर ये निगरानी कर रहा था। अपाचे हेलीकॉप्टर को कहा जाता है कि ये हवा में उड़ने वाला टैंक है, इसमें गन्स होते हैं, इसके साथ इसमें मिसाइल्स होते हैं, इसके अंदर इंफ्रारेड के साथ साथ कई तरह के ऐसे कैमरास होते हैं जिसके जरिए आप दूर से आप दुश्मन की हरकतों को कैप्चर कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यही बड़ी वजह है कि भारतीय फोर्सेस की ओर से यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ पर अपने सबसे आधुनिक विमानों को लगाया है। और आप देख सकते हैं ये आप जो विमान देख रहे हैं बहुत खास है। ये जो विमान आप देख रहे हैं भारतीय एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स का कह सकते हैं कि ये स्पाई प्लेन है। इसमें रडार लगा हुआ है, इसमें कई सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं जिसके जरिए ये पूरे बॉर्डर के आसपास के इलाके पर निगरानी रख सकता है। मिराज 2000 विमानों का बेड़ा लेह लद्दाख में तैनात है। ये वही मिराज 2000 विमान है जिनका बालाकोट एयर स्ट्राइक में इस्तेमाल हुआ था। इसके अलावा सुकोई 30 विमानों को भी लेह लद्दाख में तैनात किया गया है। अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर भी लेह लद्दाख में तैनात हो चुके हैं। देखा जाए तो चीन को सबसे बड़ा डर भारतीय वायुसेना से ही है। चीन की सेना का संख्या बल बहुत ज्यादा है, लेकिन लेह और लद्दाख की भारत चीन सीमा जिस ऊंचाई पर है वहां भारतीय वायुसेना का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। भारत और चीन के बीच एलएसी पर बने तनाव के बीच इंडिया टीवी संवाददाता अमित पालेट दुर्भुग गए। एलएसी पर दोनों सेनाओं के आमने सामने आने के बाद लद्दाख में हलचल साफ दिखाई दे रही है। सेना का कॉन्वॉय आगे बढ़ने के लिए तैयार है। यहाँ पर आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ नजर आ रहे हैं और नीचे क्या नजर आ रहा है, रोड पर लंबी गाड़ियों की कतार है। ये कॉन्वॉय है, दरअसल आप देख सकते हैं वहां पर हमारे आर्मी के ट्रक्स मौजूद हैं, इसके साथ यहाँ पर सिविलियन ट्रक्स भी हैं और साथ में यहाँ पर बसें भी हैं। दरअसल ये बताती है कि किस तरह से इस रोड के जरिए एलएसी पर जहां पर हमारे सेना वहां पर डटी हुई है उनके लिए साजो सामान, रसद, तमाम चीजें लगातार पहुंचाई जा रही है ताकि उनको वहां पर किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। हमारी भारतीय सेना वहां पर मोर्चा लेकर खड़ी है चीनी सेना के सामने। उनको बहुत सारी चीजों की जरूरत है और उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। और ये जो तस्वीर ये बताती है कि किस तरह से रोज इसी तरह से सैकड़ों गाड़ियां जाती हैं एलएसी तक और ना सिर्फ वहां पर सैनिक को पहुंचाया जाता है बल्कि जो रसद चाहिए, जो साजो सामान चाहिए, हर वो जरूरत की चीज जो वहां पर हमारे सैनिकों को चाहिए वहां पर लड़ाई करने के लिए, मोर्चा लेने के लिए, वो इसी तरह से ट्रक्स के जरिए भेजा जाता है। अब एलएसी तक पहुंचने के लिए कारू से ही सड़क निकलती है। कारू में ही सेना की थर्ड इन्फेंट्री डिवीजन है जो भारत और चीन के बीच एलएसी पर बने तनाव के बीच बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ रही है। इतना ही नहीं, चीन की किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए
आसमान से लेकर जमीन तक पूरी तैयारी हो चुकी है। कारू वो जगह है जहां से आगे डुरबुक के लिए रोड जाती है, यानी कि एलएसी की तरफ ये सीधी रोड जाती है। आपको बता दें कि कारू में ही 3rd इन्फेंट्री डिवीजन है जो अब आगे फॉरवर्ड पोस्ट पे मूव कर चुके हैं, यानी कि एलएसी पर अभी यहां पर 3rd डिवीजन के जो तमाम फोर्सेस थी वो मौजूद है। तो अब उनके आगे फॉरवर्ड मूवमेंट की वजह से यहां पर अब ये जगह खाली हो गई। लेकिन आपको बता दें कि अब यहां पर धीरे धीरे जो नीचे इलाके हैं, नीचे से यानी दूसरे जगहों से फोर्सेस यहां पर लाए जा रहे हैं। यहां पर आप जो सीधे कॉन्वॉय देख रहे हैं कि बसों के, देखिए एक के बाद एक कई सारे बसें जा रही हैं, उससे आगे ट्रक्स भी जा रहे हैं। तो इन ट्रकों में सामान है जो हमारी फौज यहां पर मूव कर रही है, और जो बसें हैं उसमें हमारे फोर्सेस को यहां पर लाया जा रहा है, यानी कि इसे कहते हैं रेनफोर्समेंट। दरअसल एक वजह यह है कि आगे एलएसी पर जो चीन है लगातार ब्रिगेड की साइज के हिसाब से बड़ी तादाद में सैनिकों को उसने पेंगोंग के फिंगर 5 फिंगर 4 के बीच में वहां पर तैनात करके रखा हुआ है। इसके साथ ही गलवान वैली में भी चीन ने ब्रिगेड साइज के, जिसमें बड़ी तादाद होती है फोर्सेस की, उनको वहां पर डिप्लॉय कर दिया है। भारत ने भी अब निचले अपने दूसरे जो इलाके हैं वहां से फोर्सेस को यहां पर लाना शुरू किया है। अब उन्हें यहां पर, आपको बता दें कि यहां से महज 100 से 150 किलोमीटर की दूरी पर एलएसी है, तो 100 से 150 किलोमीटर की दूरी पर हमने भी हमारे जो बेसेस है वहां पर जो फोर्सेस है उनको लाना शुरू कर दिया है। इस बीच चीन ने एलएसी की स्थिति और पिछले दिनों की घटनाओं पर सिलसिलेवार ब्यौरा देते हुए एक बयान जारी किया। चीन ने फिर से पुराना राग अलापा है, भारत पर घुसपैठ का आरोप लगाया। उसके बयान में साफ झलक रहा था कि 15 जून को झड़प के दौरान भारतीय सैनिकों ने उसकी क्या हालत की है। और अब एक बार फिर हमारी ये एक्टिविटी बता रही है कि हम किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अमित पाले, इंडिया टीवी, लेह लद्दाख।